हे भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोपिरो वाइस्टाउन। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारी इस वाइस्टाउन के अंदर आ चुका है एक बहुत ही बड़ा बंदर और बहुत ही बड़ा वाला मंकी, जिसे हम गोरिल्ला और रैम्पेज भी कहते हैं। उस बंदर को मैं खत्म कर दूंगा गाइस, क्योंकि उस बंदर ने टिप्सन को बहुत ही बड़ी धमकी दी है, टिप्सन को जान से मारने की धमकी दी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी रोपिरो वाइस्टाउन के जो लोग हैं ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में पहुंच चुके हैं जब से ये बंदर हमारी इस वाइस्टाउन के अंदर आया है। तो मैं इससे पूछ लेता हूँ, ओए नीले पकोड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते के बीच में और मेरे सामने आने की? निकल जाए यहाँ से वरना मार मार के धूल चटा दूंगा। अबे वो अपनी माँ के बच्चे, ये कस्सी दिख रही है ना, इसको ही तेरे अंदर घोप दूंगा, कभी निकाल लूंगा भी नहीं। अबे वो नीले पकोड़े, चुपचाप यहाँ से चला जा, मेरा दिमाग सटक गया ना, वो हाल करूंगा, याद करेगा। लगता है तू ऐसे नहीं मने मानेगा, तुझे तो मारना ही पड़ेगा। अरे इतना बेकार बंदा है ये, तू नहीं बचेगा यार, मार दूं मैं तो। मार ये ले फिर। अरे अरे बचाओ 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 यार, मैं तो डर गया, भागो भागो बचाओ। अब भागा ना, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मर ही गए, कैसे बेकार बेकार बंदे रहते हैं इस वाइस्टाउन के अंदर। अबे ओ रोपिरो, तू किसी काम का नहीं है, तू ऐसे ही लोगों को मारता रहता है, मारना है तो जल्दी से जाकर उस बंदर को मारना। अबे ओ नीले पकोड़े, आज तो तू नहीं बचेगा। अरे ओ टिप्सन दादा, तू भी नहीं बचेगा, तुझे भी मैं मार दूंगा, चले मर गया ना अब। अरे टिप्सन दादा, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो यार, उस पुलिस वाले ने तुम्हें क्यों मारा था मुझे कुछ बताओ तो। अरे मुझे नहीं पता छोटे यार, उसने मुझे क्यों मारा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू यार अब जल्दी से जाओ, उस बंदर को ठिकाने लगा दे यार प्लीज, वो मुझे धमकी देकर गया है। अरे टिप्सन अभी जाता हूँ जाता हूँ। अरे अभी क्या, अभी जा, काम चोर कहीं क्या, तू यार कभी नहीं जाता, तू बहुत ही बेकार हो गया है, मेरा एक भी कहना नहीं मानता तू। जब मैं तेरी उम्र का था ना, तब पता नहीं मैं यार कितने बंदों को ठोक दिया करता था, और तू यार बिल्कुल काम चोर है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल नल्ला है, तू किसी काम का नहीं है, तू यार मेरी नजरों से दूर हो जा, एक काम कर, घर में बैठ जा चूड़िया पहले, तू किसी काम का नहीं है, तू उस बंदर को नहीं ठिकाने लगा सकता। अरे टिप्सन दादा, बहुत ही ज्यादा बोल लिया हो तुम, अब देखना मैं उस बंदर को मार कर ही आऊंगा, वरना मैं यहाँ पर आऊंगा ही नहीं, समझ गए तुम। हाँ हाँ देखते हैं तू कैसे मारता है उसको, तेरे में दम होगा तभी मारेगा ना तू। हाँ ठीक है टिप्सन दादा, अभी दिखाता हूँ मैं अपना दम तुम्हें, चलता हूँ मैं उस बंदर को मारने के लिए। ये टिप्सन दादा ना बहुत ही ज्यादा बोलने लग गया है, किसी ना एक दिन ना मैं इसे ही मार डालूंगा, बहुत ही ज्यादा बक बक करने लग गया ये। अरे अब ये बंदर का बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा यार, लास्ट टाइम तो इसे मैंने कैसीनो के पास देखा था, क्या पता ये अभी भी वहीं हो। देखता हूँ मैं इसे, आज तो छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ इसको तो मार ही डालूंगा मैं आज। अरे यहीं कहीं होगा, इस भूत के पास जाता हूँ, क्या पता यहीं पर हो। अरे ये बीच में एम्बुलेंस क्यों आ गई यार, बिल्कुल ही निकल यहाँ से, एक काम करता हूँ इसे फास्ट भाग लेता हूँ। तो यार मैं आ गया हूँ बिल्कुल इस भूत के पास, अभी तक बंदर नहीं दिखा मुझे यार, बंदर कहाँ गया ये। अबे ये रहा बंदर तू, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसे मैं कैसे मारूंगा। टिप्सन सही कह रहा था, मैं किसी को नहीं मार सकता। और बंदर भाई साहब आप हमारी इस रोपिरो वाइस्टाउन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, छोड़ दो ना प्लीज। अबे ओ ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो मेरे पीछे आ गया। मैं किसी को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को मार रहा हूँ, समझ गया ना, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बस यहाँ पर घूमने के लिए आया था। एक बात कहता हूँ, अगर तूने मेरे पर फिर से ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने लोगों को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नीले पकोड़े। अबे नहीं बंदर भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो किसी को भी नहीं मारा, तो चलो मैं चलता हूँ बंदर भाई। अरे बाप रे बाप, भाग लो यहाँ से। अरे चलो अच्छा हुआ उस बंदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, अब मुझे उस बंदर के साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यार लेकिन टिप्सन को उसने धमकी क्यों दी थी ये पूछना तो मैं भूल ही गया। तो यार अब मैं चलता हूँ दोबारा से उस बंदर के पास, यहाँ यहीं कहीं होगा बंदर, इससे पूछ लेता हूँ यार कि उसने टिप्सन को धमकी क्यों दी थी। अरे बंदर भाई मुझे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपने उस टिप्सन के बच्चे को धमकी क्यों दी थी। अबे तू फिर आ गया नीले पकोड़े, मार दूंगा तुझे, निकल जाए यहाँ से। और हाँ रही बात उस टिप्सन की, मैंने उसे धमकी इसलिए दी थी कि वो मुझसे तंग कर रहा था मुझे, इसीलिए चल निकल अब यहाँ से। गाइज इस बंदर से किसी को भी कोई खतरा नहीं है, ये बंदर तो सिर्फ हमारी इस वाइस्टाउन को घूमने के लिए आया हुआ है। हमारी इस वाइस्टाउन में यार हर कोई घूमता रहता है आजकल, तो बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, यहाँ मिलिट्री बेस पर मेरी लड़ाई हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मेरी चटनी बना देंगे, बिल्कुल ही कटी पीस पीस कर देंगे मेरी। अरे ये क्या कर दिया मेरे साथ, इतना यार इतनी जोर से मारा मुझे, अबे यार गया मैं तो, इतनी ज़बरदस्त टक्कर मारी यार, क्या ही बताऊँ यार, मेरे को बिल्कुल ही डेड कर दिया। तो गाइज अब मैं आपको ना कल शॉर्ट आउट दूंगा, तो शॉर्ट आउट लेने के लिए आपको नीचे कमेंट कर देना और अपना नाम लिख देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना है। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।